Hello guys, welcome back to our YouTube channel MO Scire and Sina Tutorial. Guys, आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. यस गाइस, इलेक्ट्रिसिटी से आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट नाम का एक चैप्टर खुद है आपके क्लास 10th के सिलेबस में, और उसके साथ साथ एक और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो गाइस, हम लोग आज तो पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पहले बेसिक टर्म्स बेसिक थिंग्स जानने की कोशिश करेंगे. उसके बाद फर्दर जो है हम लोग आगे के और स्टेप्स में आगे के पार्ट वाइज वीडियोस में चलेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे. तो चलिए आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है क्या नहीं है. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से आगे देखना शुरू करते हैं. तो चलिए हम लोग अपना आज हेडिंग लिए हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग का जो हेडिंग है आज का वो है इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे चैप्टर का नेम हो गया सर. अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिकॉज चैप्टर का नेम लिए हैं तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिसिटी तो आप क्या कहोगे? तो आई होप सो आप यही कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. बट गाइज, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है. तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो मैंने अभी नहीं पूछा, मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी का. तो आपको क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हुए, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है. तो आप इसको कह सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अनदर फॉर्म by using just a single device. Yes guys, मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है एनर्जी का, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इसको हम लोग किसी भी दूसरे फॉर्म में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली. कोई और दूसरा एनर्जी इस तरह के फॉर्मेट का नहीं हो सकता है. जैसे आप बताओ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी है, दैट मींस आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेट सपोज इसे मुझे चेंज करना है आपको साउंड एनर्जी में, किस एनर्जी में चेंज करना है, साउंड एनर्जी में, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक स्पीकर यूज करोगे. तो एक स्पीकर बस यूज करने से ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप यहां से साउंड एनर्जी के बजाय आप लाइट एनर्जी में जाना चाहते हो, तो लाइट एनर्जी के लिए भी आप क्या करोगे, सिंपली एक बल्ब आप यूज करोगे तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप लाइट एनर्जी के भी बजाय मैकेनिकल एनर्जी में जाना चाहते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी में जाने के लिए आप क्या करोगे कि एक मोटर यूज करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये एनर्जी. फिर अगर आप इसको चाहोगे कि इसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली एक बैटरी यूज करोगे, तो बैटरी चार्ज हो जाएगा. तो चार्ज होने का मतलब उसमें एक तरह का केमिकल एनर्जी स्टोर होना, तो केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है. आप अगर इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग अ आयरन और एनी हीटिंग मशीन, कोई भी एक आयरन या फिर कोई गीजर इस तरह का चीज हो, तो आप उसको यूज करके हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो गाइज, ये इतना इजीली फॉर्म वाला एनर्जी है, इतना इजी फॉर्म का एनर्जी कि इससे किसी भी फॉर्मेट में बदलना था तो आपने बस एक सिंपल डिवाइस यूज किया और कन्वर्ट कर लिया. बट गाइज, अगर इसके अलावा हम लोग कोई दूसरा ही एनर्जी को लेकर देखें, जैसे सपोज अगर हम हीट एनर्जी ही लेते हैं और हीट को कन्वर्ट करके अनदर फॉर्म में देखते हैं, तो इसे कन्वर्ट करने के पास मेरे लिए क्या उपाय है? सपोज अगर हीट से मुझे लाइट एनर्जी में जाना हो, तो हीट एनर्जी से अगर आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास इसका कोई सोर्स है कि हीट को लाइट में कन्वर्ट कर दे? कोई सोर्स नहीं है. अगर आप हीट से जाना चाहो लाइट एनर्जी के बजाय कोई मैकेनिकल एनर्जी में या साउंड एनर्जी में, तब कोई सोर्स है? नहीं है. हाँ, हीट से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना चाहो, तब भले ही एक सोर्स है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाने के लिए हम लोग एक सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं. अब गाइस कहोगे आप कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गया, तो अब इसके बाद साउंड एनर्जी में चले जाएंगे? तो हाँ, यहाँ पे से अब जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मिल गया तब साउंड में जा सकते हैं. लेकिन क्या हीट से डायरेक्ट साउंड में कन्वर्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. तो हीट को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं कर सकते हैं, बट इसको कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में इजिली कन्वर्ट हो सकता है बाय यूजिंग जस्ट अ सिंगल डिवाइस. एकदम एक सिंगल डिवाइस को यूज करके ही ये कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हुए ऐसे
से बोल सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अनदर फॉर्म बाय यूजिंग जस्ट अ सिंगल डिवाइस। ओके गाइस, तो अब ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करा, तो इलेक्ट्रिसिटी से अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पे आते हैं कि अब इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैंने टॉपिक लिया इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे इसको बतला सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप बताते हुए कह सकते हो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यस गाइस, आप ये बोल सकते हो सिंपली कि जो रेट ऑफ फ्लो चार्ज होता है किसी कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस आप ये कह सकते हो कि इफ एनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन पर यूनिट टाइम देन इट्स रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स गाइस क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा वो इसका रेशियो होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है पास आउट किया है वो डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा है वो, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टाइम टेकन कर देंगे गाइस। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है आई, आई लिख देंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है क्यू, क्यू लिख देंगे। एंड टाइम टेकन को गाइस टी होता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जो हो जाता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू हो गया चार्ज बाय टाइम। मतलब अगर कोई ये वायर था हमारा, इस वायर से कोई चार्ज फ्लो होकर के जा रहा है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो होकर के जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट होगा कि कितने टाइम में फ्लो होकर के गया है, इसी के रेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे गाइस। कि ये वायर है तो वायर में किस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के जा रहा है, यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा और इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ और जानने के लिए हम लोग फिर पॉइंट वाइज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस तरह के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, कैसे मेजर करेंगे, इन बारे में पढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग का हेडिंग है गाइस सम फैक्ट्स और टर्म्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ टर्म्स या कुछ फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, आई सिंबल से डिनोट होगा गाइस। नेक्स्ट है इट इज मेजर्ड बाय एसआई यूनिट, मेजर्ड इन एसआई यूनिट एम्पियर, एम्पियर में मेजर होगा गाइस, जिसको डिनोट करने के लिए या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए या तो कभी कभी ए एम पी किया जाता है। इन तीन सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गाइस हमारा कि इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस एमिटर, एमिटर नाम के डिवाइस से मेजर किया जाता है गाइस। जो एमिटर नाम का डिवाइस कुछ इस तरह का होता है, अगर आप उसको लैब वगैरह में देखोगे, आपके स्कूल के लैब में या फिर आपके फिजिक्स के लैब में इस तरह का एमिटर होगा वहां रखा हुआ, आपको इजीली वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह के सेट में होता है। इसमें एक मीटर लगा हुआ होता है यहाँ पर, जिसमें एक स्केलिंग होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 एम्पियर का है कि कितने एम्पियर का है। और यहाँ पे गाइस दो पैनल होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट का ज्वाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है एमीटर मूव करता है। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये एमीटर में हमेशा ए जरूर लिखा हुआ होता है। अगर मिली एम्पियर का कोई एमीटर है तो स्मॉल एम कैपिटल ए लिखा हुआ होगा, एमीटर का है तो सिर्फ ए लिखा हुआ होगा। अगर और इससे भी छोटे वोल्ट का है तो म्यू ए लिखा हुआ होगा, जिसको कहेंगे माइक्रो एम्पियर। तो गाइस इस तरह का वो मेंशन वहां पे किया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस. एमिटर हो गया, एमिटर किस तरह के लुक का होता है, तो ऐसे लुक का होता है, आपको लुक वाइज वैसे इसी टाइप का दिखेगा ये, जिसमें हम लोग इस दोनों में वायर कनेक्ट करेंगे हमेशा. कभी भी कनेक्ट किया जाएगा तो इस दोनों में दो वायर कनेक्ट करके इसको ऑपरेट किया जाएगा गाइस. नेक्स्ट क्या टॉपिक है कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है. टेंसर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि क्वांटिटी जो है वो दो तरह का होता है. जो भी क्वांटिटी होता है, एक तो स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा और दूसरा पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी. बट गाइस इसके अलावा एक और क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी का नाम है टेंसर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड. इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहेगा. बट गाइस इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है. ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है कोई भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए, नहीं तो वो कभी वेक्टर नहीं होगा. अब ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब सर, तो इसका मतलब ये है, जैसे आप याद करो नाइन्थ क्लास में जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, आपका कोई ये ट्रायंगुलर टाइप का दिया हुआ होता था रीजन कि ये एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा है, फिर इधर से पहले इस डायरेक्शन में गया जो कि 3 मीटर मूव किया है, फिर यहाँ से अपवर्ड 90 डिग्री रोटेट करके 4 मीटर गया है. तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो. तो आप गाइस क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला पार्ट होता था आपका, तो आप इसको निकालने की कोशिश करते थे. तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे बताइए, तो आप करते थे इसका ज्योमेट्रिकल सम निकालते थे. डायरेक्ट सम नहीं, ज्योमेट्रिकल सम. ज्योमेट्रिकल सम मतलब ज्योमेट्री का यूज करते हुए आप करते थे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मींस 5. इस तरह से आप कैलकुलेट करते थे. तो गाइस जब भी इस तरह का कैलकुलेशन हो तो ऐसे कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन. क्या कहा जाता है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो ज्योमेट्रिक एडिशन. क्या कह सकते हो गाइस, ज्योमेट्रिक एडिशन आप कह सकते हो. तो टेंसर क्वांटिटी जो होता है वो इस दोनों को फॉलो नहीं करता है, ना तो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन को, ना ज्योमेट्रिकल एडिशन को. इसलिए इसमें जो है इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता है. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद भी इसको कौन सी क्वांटिटी कही जाएगी, टेंसर क्वांटिटी कही जाएगी. तो इलेक्ट्रिक करंट इसी तरह का चीज है. इलेक्ट्रिक करंट में अगर कोई करंट यहां से मूव करके आ रहा है, एक 3 एम्पियर का करंट, कोई एक करंट यहां से मूव करके आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, अब यहां से अगर ये किसी वायर में सिंगल वायर में जाता है, तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम अंडर रूट करके ऐड कर रहे हैं 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नथिंग, नेवर. हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे कि यहाँ पे कितना करंट होगा, 5 एम्पियर. दैट मींस क्या हुआ गाइस कि ये डायरेक्ट एडिशन को फॉलो किया, ये कोई ट्रायंगल लॉ या ज्योमेट्रिकल लॉ ये सब फॉलो नहीं किया, ये डायरेक्ट लॉ को फॉलो किया. तो इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, बल्कि इस क्वांटिटी का एक अलग नेम होगा और इसको कहेंगे हम लोग टेंसर क्वांटिटी. सो गाइस ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिनोटेड बाय आई से डिनोट होगा, मेजर्ड इन द एसआई यूनिट एम्पियर, एम्पियर में मेजर होगा. हाँ, ये एम्पियर यहाँ स्टैंड किसके लिए करता है, तो एम्पियर स्टैंड करता है कूलम्ब पर सेकंड के लिए. ये मैं आगे बताऊंगा जब चार्ज के बारे में बतला रहा हूँ मैं, तो कि ये कूलम्ब पर सेकंड के लिए स्टैंड करता है. फिर इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस एमीटर, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, और इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी गाइस जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया. तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं चार्ज पे कि चार्ज किसको कहा जाता है, बिकॉज चार्ज भी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम लोग अब चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज करते हैं किसको. हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हुए करते हैं कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल दैट हेल्प इट टू अट्रैक्ट और रिपेल अगेंस्ट अनदर मटेरियल. तो चार्ज जो है एक किसी बॉडी का या किसी मटेरियल का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी अगर इसको इसी के जैसा दूसरा चार्ज के पास लाए तो रिपेल करा सकता है, या फिर अगर इससे अपोजिट चार्ज आए तो अट्रैक्ट करा सकता है. अब ये अट्रैक्ट कराएगा या रिपेल कराएगा वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है. इसकी चार्ज का नेचर क्या होता है, तो नेचर जानने के पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि चार्ज फॉर्म कैसे होता है, हाउ इट इज फॉर्म, चार्ज फॉर्म कैसे होता है. तो चार्ज जो फॉर्म होता है गाइज वो एटम के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है, एटम के थ्रू. यस गाइज, जब कोई भी एटम जो है या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता हो या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता हो तब ये चार्ज बनता है. जैसे
एग्जाम्पल लूज करने के टेंडेंसी में मैं बताता हूँ, सोडियम कोई एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाएगा। तो गाइस इस समय ये जो बना ये क्या हो गया, पॉजिटिव टाइप का चार्ज हो गया, ये चार्ज कहलाया। अगर गेन करने की बात करें तो उसके एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कोई क्लोरीन नाम का एटम है तो ये क्या है, अभी कोई चार्ज नहीं है इस पे, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, मतलब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद ये बन जाएगा सीएल माइनस। तो भाई जब सीएल माइनस बन गया, दैट मींस यहाँ क्या हो गया, ये किस तरह का चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज फॉर्म कैसे होता है, एटम के थ्रू, आइदर उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे या तो उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे। तो गाइस यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब ये देखते हैं कि चार्ज का कुछ स्पेशल टर्म्स या स्पेशल फीचर्स क्या है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़े थे और उस टर्म्स को हम लोग देखते हैं। तो टर्म्स और फैक्ट्स रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज से रिलेटेड टर्म्स या फैक्ट्स देखते हैं। तो गाइस इसका सबसे पहला टर्म या सबसे पहला फैक्ट है कि इट इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू के सिंबल से डिनोट होता है। नेक्स्ट क्या फैक्ट इसके बारे में कि इट इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट कूलाम्ब, कूलाम्ब के एसआई यूनिट में मेजर होता है, जिसको सी से, कैपिटल सी से, गाइस कैपिटल सी होना चाहिए, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। थर्ड क्या है कि इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर के डिवाइस के थ्रू ये मेजर होता है गाइस, जो इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस है उसके थ्रू। और ये डिटेक्ट किससे होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड से होता है। इट इज डिटेक्टेड बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में आप जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे कि इस तरह का एक डिवाइस होता है जो एक कंटेनर टाइप में बना हुआ होता है, और इस तरह के इस कंटेनर वाले डिवाइस में यहाँ पर होता है एक लगा हुआ रॉड, और इस रॉड के नीचे हुक जैसे चैनल में गोल्ड का दो लीफ जैसा, पत्ती जैसा चीज लगा होता है, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड कहते हैं गाइस, या इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं इसको हम लोग, इसको इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इस चीज से ये बना हुआ होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करते हैं कि इधर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो To detect the charge, nature of charge, we use electroscope. तो ये हो गया हमारा टर्म्स, उस चार्ज से रिलेटेड वाला टर्म्स हो गया, क्यों से डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट कूलाम्ब होगा, इलेक्ट्रोमीटर से मेजर होगा, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोड से डिटेक्ट किया जाएगा। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पे, कि जो चार्ज के टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं और उसमें फिर और क्या फीचर्स होते हैं। तो हम लोग टाइप्स पे आते हैं। So our next heading is types of charge. तो guys types में charge को अगर देखते हैं तो ये कितने types का होता है, दो type का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं there are two types of charges. Charges के दो types होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं भाई दो types? तो charge के दो types जो होते हैं वो एक होता है positive charge और एक होता है negative charge. तो positive charge guys किससे बनता है, मेटल्स वाले एटम से, जो भी मेटल्स वाले एटम है लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड सो ऑन। और नेगेटिव वाले चार्ज बनते हैं नॉन मेटल्स वाले टाइप के एटम से, नॉन मेटल्स वाले टाइप के एटम है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन इट इज इस तरह की चीज़ है। अब गाइस आगे हम लोग का एक टॉपिक होता है चार्ज के प्रॉपर्टी में, कि चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो इसका नेचर जो है अगर हम लोग देखते हैं, इसका नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही तरह का होता है। तो इसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दो नेचर का होता है। अब अगर हम अट्रैक्टिव नेचर के बारे में डिस्कस करना चाहें तो अट्रैक्टिव तब होगा जब हम लोग दोनों ही अपोजिट चार्ज वाले पॉइंट्स को प्लेस करेंगे, और रिपल्सिव कब होगा जब हम लोग सेम काइंड ऑफ चार्ज को प्लेस करेंगे। तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब, कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है। तो अगर ऐसा होगा गाइस तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पहला वाला ही नेगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है,
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये दोनों जो हुआ अपोजिट नेचर का हुआ, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक यहाँ नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बट अगर हम लोग इसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज लें, जैसे ये भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, अपोज करेगा एक दूसरे को। अगर ये भी पॉजिटिव लें और इधर वाला भी पॉजिटिव लें, तब भी गाइस क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक वाले चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और लाइक वाले चार्ज रिपेल कर रहे हैं। सो गाइस ये हम लोग चार्ज का नेचर जान गए। अब एक और पॉइंट होता है चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो गाइस आवर नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब जनरली काउंटिंग होता है, तो काउंटिंग होता है तो कह सकते हैं हम लोग कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक इसके ऐसे प्रॉपर्टी को डील करता है जिस प्रॉपर्टी में चार्ज को हम वन बाई वन करके काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू विच द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी काउंटेड इन इंटीजर्स और होल नंबर, स्पेशली होल नंबर्स में, इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो गाइस इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर कोई एक बॉडी है जिसका टोटल चार्ज हमें पता करना है कि इसके टोटल चार्ज कितने हैं, तो हम लोग इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, और इसके इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग गाइस इसका टोटल चार्ज निकलेगा। तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कोई भी इंटीजर टाइप का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस या माइनस एन, एन यहाँ इंटीजर को डिनोट कर रहा है, इन टू ई, ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, जिस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा गाइस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कैथोड रे के थ्रू पता लगाया गया था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है जो इसमें पुट करेंगे। तो टोटल चार्ज का ये एक फॉर्मूला बन जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण। क्वांटाइजेशन में हम लोग इस तरह से अब जब भी कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये काउंट हो करके मिलेगा। जैसे गाइस अगर हम लोग को इस पे क्वेश्चन लेकर के देखा जाए, कहा जाए, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक बॉडी के बारे में बताया गया कि अ बॉडी हैविंग 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन हाउ मच टोटल चार्ज डज इट हैव। तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा ये पूछा गया गाइस। तो आप बताओ यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो आप क्या देखते हो, आपको नंबर्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 6.25 दिया है मल्टीप्लाइड बाय क्या है इनटू 10 टू द पावर 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है गाइस। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको नंबरिंग के फॉर्म में दिया, आप ई का वैल्यू पहले से जानते हो, नोन फैक्ट है आपका 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको क्या निकालने कहा गया, टोटल चार्ज, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जब आप क्यू निकालते हो तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू ई, एन का वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये पुट करोगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 हो जाएगा। सो गाइस जब आप इसको लोगे एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए तो 625 इंटू 16 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000, ये 20 यहाँ का, 10 एक 0 यहाँ का, और 10 टू द पावर 18 और 19 ये होकर के हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, 18 प्लस में 19 माइनस में, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 1। तो आप जैसे ही इसको कैंसिल आउट वगैरह करोगे तो आप क्या देखोगे, ये 25 बार, ये 4 बार गया, 4 से ये 16, फिर 4 बार गया, तो अब हमें क्या बच गया, ऊपर में 25 इंटू 4 यानी 100, और ऊपर में फिर यहाँ 10 टू द पावर माइनस 1, नीचे का 10 ये भी चला गया तो एक और 10 टू द पावर माइनस 1। सो गाइस आप कुल मिला के कर सकते हो, ये सब कैंसिल वैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 कूलम, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 1 का मतलब ये 1 बाई 10 है, आप इसको कर सकते हो सिंपली कि ये 1 बाई 10 है, इसको भी आप कर सकते हो यहाँ से हटा के कि ये 1 बाई 10 है, तो 10 10 100 100 से कैंसिल, मतलब कितना कूलम चार्ज हो गया, 1 कूलम। तो इस तरह से ये टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को काउंट करा देता है हम लोग, क्योंकि उसमें काउंटिंग करते हुए हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द पर्टिकुलर बॉडी। सो गाइस अगर इस तरह से हम लोग देखें और ऐसे पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू, एक क्वेश्चन और मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ,
आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई इतना चार्ज वाला एक बॉडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में देकर के पूछा जा सकता है। तो आप उसको डिटेक्ट करके कैलकुलेट करके ये भी बता सकते हो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के थ्रू कि नहीं ऐसा बॉडी पॉसिबल नहीं है अट्रैक्ट ऑकर होना या फिर पॉसिबल है ऑकर होना, आप ये भी देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो टोटल चार्ज दिया गया, टोटल चार्ज कितना दिया गया, 4 × 10⁻¹⁹ कूलम। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या जानते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो हम नंबरिंग निकाल के देख लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारे पास फार्मूला था, जो गिवन फार्मूला वो क्यू इज इक्वल टू एन ई था प्लस माइनस एन ई। तो एन निकालिएगा तो इससे हो जाएगा क्यू आई ई, तो क्यू का वैल्यू तो हो गया हमारा 4 × 10⁻¹⁹, और ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। तो −19 − 19 कैंसिल, फिर बच जाएगा 4/16। ये पॉइंट हट के ऊपर जीरो चला जाएगा, 4 × 4 = 8 × 10 = 12। अब ये सॉल्व हो करके फिर क्या आ जाएगा आपको यहाँ से, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2.5। क्या ये पॉसिबल है 2.5 इलेक्ट्रॉन्स होना? नहीं पॉसिबल है, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स कभी कोई बॉडी में हो ही नहीं सकता, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो गाइस हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट जिसने इस इलेक्ट्रोमीटर से इस चार्ज का वैल्यू निकाला वो गलत है, ही इज रॉन्ग, वो गलत कैलकुलेशन या गलत ऑब्जर्वेशन किया है, तो ये बता सकते हैं। अगर ये इसी में कोई वैल्यू ऐसा रहता कि ये करेक्ट वैल्यू होता, सो गाइस जस्ट सपोज कि यहाँ पे 4 के जगह 4.8 रहा होता, तो 4.8 रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते 4.8, तो यहाँ पे भी वैल्यू हो जाता 4.8। फिर गाइस हम लोग क्या करते हैं, 1.6 इसको सीधा डिवाइड करते 3 टाइम, तो यहाँ पे अब आ जाता 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता था। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि ही इज राइट या ही इज करेक्ट, हिज ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, ये कह सकते थे कि उसका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, उसने सही कैलकुलेशन कराया। तो गाइज ये होता है हमारा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज तक ही आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे चार्ज के रिलेटेड और आगे के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।